आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ऐसी भी क्या जल्दी है? आंदोलन रहेगा जारी, चलेगा परसों। 700 किसान जो शहीद हुए, लेकिन वही कृषि मंत्री ने दोबारा बयान कर दिया है पार्लियामेंट कि हमारे पास कोई आंकड़ा नहीं है। हर बात से ये भागती है। आप देखो, जब इस संसद में पूछा गया कि 2016 के बाद कितने किसानों ने आत्महत्या की, कहते हमारे पास आंकड़ा नहीं है। जब संसद में पूछा गया कि 0 से 5 साल के तक के बच्चों में कुपोषण कितना है, उसमें कहते हैं कि हमारे पास आंकड़ा नहीं। इस कोरोना काल में कितने डॉक्टरों की मृत्यु हुई, कहते हमारे पास आंकड़ा नहीं। इस कोरोना काल में कितने आंगनवाड़ी बेरोजगार हुए, कि हमारे पास आंकड़ा नहीं। तो भाई, सरकार के पास है क्या? सिर्फ देश में नफरत फैलाना? हम पेश कर देंगे, जब सरकार को मांगना हो वो बताए, हम किसान के नाम, गांव, जिला, तहसील सब बताएंगे। हमारे पास एक एक किसान का डाटा है। दूसरी मांग, आप ये सारे मुकदमे हम घर से लेकर नहीं आए थे। जब काले कानून सरकार ने हमारे ऊपर थोपे थे, हम उनका विरोध करने आए थे और सरकार ने जबरदस्ती हमारे ऊपर मुकदमे थोपे हैं। तो हम घर से लेकर नहीं आए थे, तो घर लेकर के भी नहीं जाएंगे। संभव नहीं है, नहीं वापस हो सकता। क्यों, नेताओं के मुकदमे वापस हो सकते हैं, देश के किसान के मुकदमे वापस नहीं होंगे जो झूठे लगाए गए हैं। सरकारों से कह दो कि ये भारत का किसान बैठा है, हर चीज का हिसाब यही करके जाएगा। ये तो कहते थे कानून भी वापस नहीं होंगे, फिर वो हुए। हर चीज का हिसाब यहाँ से करके उठेंगे। देखिए, ना हमारी जनता से कोई लड़ाई है, ना हम जनता का विरोध कर रहे हैं। हमें परेशानी है, हम सरकार से लड़ रहे हैं। अगर आपको परेशानी है, आप भी सरकार से लड़िए। नुकसान हुआ उसकी भरपाई कौन करेगा? सरकार करेगी। सड़कें सरकार ने रोकी, हमने तो रोकी नहीं। बैरिकेटिंग हमने नहीं लगाए, दिल्ली पुलिस ने लगाए, भारत सरकार ने लगाए, तो सरकार जवाब देगी। किसी एक संगठन का नाम बता दे पंजाब के का, कोई से भी संगठन ने, एक ने भी कहा हो। ये तो मीडिया की चाल चल रही है, और जब ये चाल खत्म हो जाएगी, एक हफ्ता चलेगा ये बदनाम करने का। उन्होंने तो मीटिंग करी थी ना अभी। अरे मीटिंग तो हम रोज करें, हमारी तो रोज मीटिंग हो। उन्होंने प्रस्ताव भी रखा कि हम चले जाएंगे, हमारी जो मांग थी पूरी हो गई। कोई प्रस्ताव नहीं रखा गया, कुछ नहीं रखा गया। ये देश को अफवाह फैला रखी है और गोदी मीडिया ने अफवाह फैलाई है। आज तक तो ये भी कह रहा है कि जो टेंट उखाड़ रहे हैं किसान लोग, वो जाने के लिए तैयार है, बिल्कुल खाली हो रहे हैं। ये गोदी मीडिया तो एक साल से हमारे टेंट उखाड़ रहा और एक साल से किसान आंदोलन को खत्म कर रहा। आंदोलन था, है, और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हो रहेगा। सरकार के बाद अब मीडिया से भी लड़ाई शुरू होगी, करनी पड़ेगी। अगर किसानों को बदनाम करोगे, देश की जनता को बदनाम करोगे, तो भैया जनता तो आपका खिलाफत करेगी। तो जो मालिक है वही खुद बौखलाए जा। जिसका मालिक ड्रग्स मांगता हो, तो आगे कहने की क्या जरूरत है? सरकार के साथ जुड़ जाते हैं। हाँ, ये सही कह रहा, सही कह रहा। उससे उससे जाके पूछ कि उसकी महिला पत्रकार हमारे टिकैत साहब के हाथ पकड़ के क्या कर रही थी भाई, क्या कर रही थी? पीछे वो एक फोटो वायरल हुआ था उसका, उसी की पत्रकार थी, हैं? और बाइट, अगर ये मेरी मर्जी है कि मैं आपके माइक पे बात करूं या ना करूं, ये मेरी मर्जी है। तो जब टिकैत साहब ने एक बार मना कर दिया कि हम आपसे बात नहीं करते, तो फिर जबरदस्ती क्या है? और हमारे इतने बड़े नेता, जो देश के सबसे बड़े नेताओं में गिने जाते हैं, किसान नेताओं में, उसको तुम फिजिकल टच करोगे, शारीरिक टच करोगे, महिला होने के नाते? लेकिन बड़े नेता हैं, तभी तो सवाल करने हैं ना सरकार। क्या तभी तो सवाल करने आती है ना मीडिया? और हमें ही आतंकवादी बताओगे, हमें ही अपने चैनल पे खालिस्तानी बताओगे, हमें ही टुकड़े टुकड़े गैंग बताओगे, और फिर हमसे ही सवाल करोगे? जब हमने एक बार मना कर दिया हमें नहीं बात करनी, तो क्या जबरदस्ती, जाइए यहाँ से।
इसमें बायकॉट करनी हिंदुस्तान और लाल भारत को बायकॉट कर दिया आप लोगों ने। ये हमारी मर्जी, ये हम इस वाले को दे बाइट या इसको दे या इसको दे, ये मेरी मर्जी है। आपकी बदनामी तो कर रहे हैं क्या, आपकी बदनामी तो कर रहे हैं। एक बात तो बताइए कि जब से हमारा आंदोलन चला इस गोदी मीडिया ने आज तक हमारी बड़ाई करी कहाँ, वो तो हमें गालियाँ ही देता रहा। वो जितनी गालियाँ देता है हमारा आंदोलन उतना ही अच्छा चलता है, क्योंकि देश की जनता समझ चुकी है कि सोशल मीडिया सही मीडिया है और ये गोदी मीडिया तो मारो। हम क्या माने कर रहे, सरकार के पास पावर है, लाठी चलवाओ गोली चलवाओ, उनके पास रफेल जैसा एक उड़ने वाला है। बात सुनिए, मैं फिर वो शब्द कह दूंगा, आदमी औरत का होता है, ये ध्यान रख लेना, उसको बता देना, बस इतना ही काफी है। दलाल है, हम जो बात कर रहे हैं, ये जो बैठे हैं इन लोग बस, उनका कुछ काम ही नहीं है। जो मोदी जी ने बिल वापसी ले ली, ये बैठ के ऐसे ही कर रहे कि आपको इनको जाना ही नहीं है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट हो या सरकार इनको सख्ती से पेश आना चाहिए। वो देख लेंगे, वो जो सरकार के दलाल हो वो सरकार को जाके सलाह दे दे। और हाँ हाँ, मैं टीवी चैनल पे कोई बात नहीं होती, नहीं, बैठ जो करनी है बात आमने सामने करो, जाके सरकार से कह दे और हमारे ऊपर जो है मिसाइल चलवा दे, किसान खत्म हो जाएगा, अपने घर चला जाएगा। तो जिस तरीके से कहा जा रहा है कि कहा जा रहा है, रिपोर्ट में आया था कि जिस तरीके से किसानों की मांगे बढ़ रही है MSP को लेकर, अगर सरकार उसके मुताबिक काम करती है तो देश दिवालिया घोषित हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, कौन सा वो इनका वो है इकोनॉमिस्ट जिसने ये निकाला है, हमने सरकार से कहा है कि जितना सरकार को आवश्यकता है उतना सरकार खरीदे, बाकी बाजार में जो माल बिकता है वो MSP से कम पे ना बिके। जिसको किसान के माल का व्यापार करना है वो करे, जिसको नहीं करना वो दूसरा व्यापार कर सकता है। हमारा माल क्यों बाजार में सस्ता बिक रहा है, हम इस बात पर अड़ रहे हैं। कहाँ चला जाता है बाद में, जब हमारा माल ज़्यादा है और वो सस्ते में बिका, सस्ते में बिकने के बाद वो कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, वो दरिया में डाल रहे हैं व्यापारी खरीद के, बिक तो इस देश में ही रहा है। आज जो उद्योगपति है वो सुई से लेके हवाई जहाज तक अपनी उसका दाम स्वयं निश्चित करता है। भारत का किसान है जो अपने माल का दाम निश्चित नहीं करता, उसे सरकार निश्चित करती है। हम कह रहे हैं आपने जो दाम हमारा निश्चित किया कम से कम उसकी तो गारंटी कर दीजिए कि इससे कम में नहीं बिकेगा, और मिनिमम सपोर्ट प्राइस मांग रहे हैं, MRP नहीं, मिनिमम। तो इसे कौन जिम्मेदार होगा, जांच रिपोर्ट को प्रभावित करेगा उसका बाप, और 120B का मुलजिम है, और IAS वो IPS ऑफिसर गृह मंत्रालय के अंडर में आते हैं, और एक दरोगा की हिम्मत है कि एक मंत्री के बयान ले ले, हल तो निकलता नजर नहीं आ रहा, हल भी निकलेगा और हड़ भी निकलेगा। तो कुछ आदमियों से डरे, तो जैसे आप डरे ऐसे आगे भी डरेंगे इन कुछ लोगों से, कह रहा हूँ। अगर बिल वापस देश हित में लिया गया है, और वही तो हम कह रहे थे कि बिल लाया जो गया था वो देश के विरोध में लाया गया था। तो देखिए किसानी बिल्ली खंबा नोचे, उनको ये नहीं पता वाले तो यही कह रहे हैं। क्या वो BJP वाले भी, देश का प्रधानमंत्री भी, देश का कृषि मंत्री भी, सारे मंत्री भी के कुछ कर लो बिल वापस नहीं होगा, बाकी मुद्दों पर बात कर लो। हमने कहा था कि बिल वापस होगा, अब बिल वापस हो गया तो मंत्री जी से कह दो बाकी मुद्दों पर बात कर ले। धन्यवाद तो बनता है एक बार, धन्यवाद मोदी जी। हाँ बिल्कुल दूंगा धन्यवाद, जिस दिन MSP पे गारंटी का कानून, 50,000 जो मुकदमे हैं वो वापस, जो 750 से ज़्यादा किसान शहीद हुए गए उन पे, अजय टैनी को गिरफ्तार करके आगरा की जेल में, बाकी संयुक्त किसान मोर्चा से बात करे, और जब ये सारा ख़त्म हो जाएगा फिर धन्यवाद कर काम करो। हम तो सारा श्रेय प्रधानमंत्री को दे कर चले जाएंगे, हमें श्रेय ना चाहिए, हमें समाधान चाहिए। श्रेय ले जियो गठिया बांध के मोदी, समाधान करो और हम घर चले जाएंगे। मोदी मूछ बड़ी कर लियो, हम अपनी थोड़ी और हल्की करा के चले जाएंगे।